अभी तक स्टूडेंट हमने दो सेक्शन कंपेन uh, के हमने कवर कर लिए हैं एक फर्स्ट सेक्शन था जिसमें उसमें जिसमें प्राइमरि ऑब्जेक्टिव था एंड ऑब्जेक्टिव वाज लिंक्ड विद द कैटेगरी ऑफ द कंपेन दैट वाज द फर्स्ट स्टेप सेकेंड पार्ट वाज के हमने uh, हमने आप समझिए कि एड की सेटिंग की है अभी यानी किस तरह की ऑडियंस को हम टारगेट करना चाह रहे हैं किस एज ग्रुप को हम टारगेट करना चाह रहे हैं Uh, फिर उसके हिसाब से हमने ये देखा कि मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू हम ऑडियंस को रीच आउट करना चाह रहे हैं वेबसाइट के थ्रू करना चाह रहे हैं डेस्कटॉप के थ्रू करना चाह रहे हैं एंड लास्टली हमने ये बताया कि हाउ मच वी आर गोइंग टू स्पेंड यानी हम कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर कंपेन के ऊपर और फिर एंड में हमने अभी ये ये कॉन्फिगर किया था या ये हमने बताया था फेसबुक को कि क्या एड आपकी सारी ज़िंदगी चलती रहे या yeah, हम उसे कुछ टाइम बाउंडेड जो जो कंपेन है वो चलाना चाह रहे हैं यानी दो हफ्ते के बना सकते हैं हफ्ते की बना सकते हैं अगेन जो इस चीज़ पे मैं स्ट्रेस आउट करना चाहूँगा कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है व्हाट वी आर डिस्कसिंग इट कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे कर सकते हैं कैसे करना है इट विल डिपेंड अपॉन द बिजनेस यानी कितने पैसे आप खर्च करना चाहते हैं किस ऑडियंस तक रीच आउट करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी uh, यानी I mean, I mean, I mean, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट uh, के ऊपर तो so, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वी आर जस्ट डिस्कसिंग द वे हाउ टू रीच आउट फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड और फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑब्वियसली ये चीज़ वेरी करेगी सो so, ये दो स्टेप हो गए अब तीसरा स्टेप वो ये है कि अब हमने ये बताना है कि आपका एक्चुअली एड है क्या किस एड को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं यानी जो एड की अपनी आइडेंटिटी है यानी जो एक्चुअल एड है यानी मैं अगर फेसबुक का यूजर हूं और मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो जब मेरे पास कोई फेसबुक का एड आएगा तो वट आई विल सी मैं क्या देखूंगा तो ये अब ये हम सेक्शन यानी एड का सेक्शन पहला था एड की सेटिंग यानी पहला था कंपेन का ऑब्जेक्टिव दूसरा था एड की सेटिंग अब तीसरा सेक्शन है इसको हम बोलते हैं ऐड यानी इट्स अब हम बनाने जा रहे हैं अब हम ये कॉन्फिगर करने जा रहे हैं कि जब एंड यूजर को फेसबुक का ऐड नजर आएगा तो वो क्या होगा वो कैसे नजर आएगा सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट दैट जैसे ही मैंने बजट पे क्लिक किया था यानी कंटिन्यू पे क्लिक किया था तो मैं इस पेज के ऊपर आ गया था तो ये वही पेज है जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं अब यहाँ पे सबसे ऊपर पहले देखें कि आइडेंटिटी का एक सेक्शन है फिर फॉर्मेट का सेक्शन है और उसके बाद इमेजेस का मेरे पास यहाँ पे सेक्शन है एंड देन आई विल हैव दिस लिंक और देन आई विल बी डन विथ तो स्टार्टिंग अब हम पहले ये देखते हैं कि ये आइडेंटिटी है क्या एक्चुअली इसको इस सेक्शन को ज़रा आप लोगों ने समझना है सिंपल रूल ऑफ थम आप लोगों ने दिमाग में रखना है कि जो फेसबुक के ऊपर बिजनेस है यानी मेरा एक वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल या मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं मैं फेसबुक के थ्रू मार्केट करना चाहता हूँ तो फेसबुक के ऊपर मेरे बिजनेस की जो जो पहचान है जो आइडेंटिटी है वो बेसिकली फेसबुक का पेज है यानी फेसबुक के पेज के ऊपर मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताऊंगा यानी मेरी आइडेंटिटी जो है ये बड़ी क्रिटिकल चीज है कि मैं कैसे बताऊं फेसबुक को या मैं कैसे बताऊं फेसबुक की ऑडियंस को कि आई हैव समथिंग टू ऑफर मेरे पास एक प्रोडक्ट है इंटरनेट के ऊपर तो मेरे पास वेब पेजेस थे जो गूगल को हम बता रहे थे जस्ट ट्राई टू इमेजिन द क्वांटम ऑफ डेटा फेसबुक इज हैविंग कि बेसिकली हम गूगल के पैरेलल एक सिस्टम फेसबुक ने बनाया या बन रहा है कि जो काम वेबसाइट्स कर रही हैं यानी लोगों का बिजनेस प्रमोट कर रही हैं और लोग वेबसाइट को सर्च करते हैं ज्यादातर वाया सर्च इंजन प्राइमेरली गूगल उसके ऑल्टरनेट पे अब फेसबुक वाले ये कह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट तो है लेकिन क्योंकि अब फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा लोग लॉगिन हैं या आ, यूज करते हैं तो फेसबुक के ऊपर आपकी पहचान अब फेसबुक का पेज है दैट्स पॉइंट नंबर वन तो आइडेंटिटी में आपको सबसे पहले यानी जो एड है वो एड फेसबुक के पेज से रिफ्लेक्ट होता है जो ये बता रहा है नंबर वन नंबर टू आप लोग को ऑब्वियसली मालूम है अगर नहीं मालूम तो इंस्टाग्राम जो है इंस्टाग्राम एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके तकरीबन आठ नौ सौ मिलियन यानी कोई नब्बे करोड़ अस्सी करोड़ से नब्बे करोड़ यूजर ऑलरेडी हैं वो भी इस फेसबुक के ऑनरशिप में है यानी फेसबुक ने वो बाई किया हुआ है तो जो इंस्टाग्राम है मतलब इसका मतलब ये है कि जो इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं वो फेसबुक यूज कर सकते हैं और जो फेसबुक के यूजर्स हैं वो इंस्टाग्राम के ऑनरशिप में है तो आपकी आइडेंटिटी फेसबुक पे या तो आपका फेसबुक का पेज है जो ये कह रहा है या कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट है अगर ये दो नहीं होंगे तो यू कैन नॉट टेल आप फेसबुक को ये नहीं बता सकते कि व्हाट यू वांट टू ऑफर अगेन जब हम ये कह रहे हैं कि फेसबुक का पेज होना चाहिए तो दिस डज नॉट मीन कि हम ये कह रहे हैं कि वेबसाइट नहीं होनी चाहिए कतन हम ये नहीं कह रहे वेबसाइट अपनी जगह मौजूद है जो पर्पज सर्व कर रही है गूगल का यानी सर्च इंजन का प्राइमेरली और दूसरा है आपकी एक और मार्केटिंग का जरिया जो है फेसबुक का पेज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो मैं यहां पे क्रिएट किया प्लस का साइन क्रिएट किया तो अब मैं करने क्या जा रहा हूं मैं फेसबुक का पेज क्रिएट करने जा रहा हूं अब यहां पे एक चीज आपने दिमाग में रखनी है कि जो हम कंपेन डिस्कस कर रहे हैं ना वो एक पर्टिकुलर फेसबुक के पेज की है यानी कंपेन के थ्रू पेज क्रिएट कर रहे हैं हम अभी आगे जाके सिर्फ पेज को भी प्रमोट कर सकते हैं तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं तो मैं जैसे ही यहां पे अब फेसबुक का पेज क्रिएट करूंगा तो मुझे अब सिलेक्ट करना है कि कोई लोकल बिजनेस है कोई कंपनी है कोई लोकेशन है कोई ब्रांड है कोई आर्टिस्ट है एंड सो ऑन लेट सपोज मैंने इंटरटेनमेंट पर क्लिक किया तो अब मुझे पेज का नाम बताना है ये मेरी वो पेज है जहां पे एक्चुअली मैं अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करना चाह रहा हूं ये मुझे एक यूआरएल देगा एक नाम देगा लेट सपोज मैं लिखता हूं स्कींग प्रोडक्ट्स और कैटेगरी में ऐसे कहता हूँ लेट सपोज स्पोर्ट्स है तो हम मुझसे ये पिक्चर मांगेगा पिक्चर लेट सपोज कोई पिक्चर में डालता हूँ जो मेरे जो मेरे पास मौजूद है मेरे अकाउंट में वो डाल सकते हैं या आप लोग अपने अपने कंप्यूटर से भी क्लिक आप क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं इट डिपेंड अपॉन यू मैं अकाउंट के पिक्चर में गया मैंने कन्फर्म किया उसके बाद अब मैं जैसे ही क्रिएट पेज पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा पेज एक नया पेज क्रिएट कर देगा और वो मेरी आइडेंटिटी हो जाएगा ऑन द फेसबुक मतलब ये है कि जो मैंने कंपेन क्रिएट की है ये कंपेन यानी ये जब लोगों के पास ये ऐड आएगा तो लोगों को एक फेसबुक का पेज नज़र आएगा ये एक्चुअली मैंने वो पेज क्रिएट किया है ये मेरे पास एक ऑप्शन है मैं इसको अभी कैंसिल करता हूँ या लेट सपोज मैं क्रिएट कर देता हूँ मैंने क्रिएट कर दिया तो अब आप ये देखें मेरे पास यहाँ पे अब एक बिजनेस क्रिएट हो गया फेसबुक पेज क्रिएट हो गया और उसकी स्कीइंग प्रोडक्ट है और स्कींग प्रोडक्ट के नाम से मैंने एक एक पेज क्रिएट कर दिया जो मेरे बाकी पेजेस हैं वो भी आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपका जब अपना अकाउंट होगा तो दिस विल वेरी उसके बाद ये तो एक ऑप्शन थी दूसरी ऑप्शन ये कि आप इंस्टाग्राम का अकाउंट भी यूज कर सकते हैं अपनी कंपेन की आइडेंटिटी के साथ वो बड़ा आसान है कि आप यहां पर लॉग इन हो और आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड कर दें या यू कैन ऐड योर इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो और इसके जरिए आप नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पेज तो नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यानी ज़रा बिगर पिक्चर को समझने की कोशिश करें फेसबुक का इको देखें कि एक तो वो लोगों तक आपका एड पहुंचेगा जो फेसबुक के अपने यूजर्स हैं अब क्योंकि फेसबुक वालों ने इंस्टाग्राम को भी बाइंग कर लिया ख़रीद लिया तो जो लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे हैं आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं तो जस्ट ट्राई टू इमेजिन द क्वांटम ऑफ डेटा और द पोटेंशियल ऑफ मार्केट यानी कितने लोगों तक आप अपना प्रोडक्ट रीच आउट कर सकते हैं विदाउट सोशल मीडिया दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के दो से तीन बिलियन लोगों तक आपकी पोटेंशियल रीच हो और आपको पता हो कि किन लोगों तक आप रीच आउट कर रहे हैं इतना कंट्रोल्ड मार्केटिंग कंपेन विदाउट दिस सोशल मीडिया इसको रन करना इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सो दिस इज दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिटी पार्ट ऑफ फेसबुक एड